मैं सबसे ये कहता आया हूँ, अभी भी कहता हूँ कि रफ़ी साहब एक बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर थे, बहुत मिस करता हूँ उनको। और ये मैं कह सकता हूँ कि रफ़ी साहब जो कर सकते हो हम नहीं कर सकते। वेल, एक सूरज और एक चांद, एक ईस्ट एक वेस्ट। एक वो के मेरे कहने पे हंसे, मेरे कहने पे रोए, मेरे कहने पे जो भी है करें, और एक वो जो बहुत रिजर्व। अगर मैं ज़्यादा कहूँ रफ़ी साहब से कुछ तो मुझसे कहे बस दैट्स योर लिमिट, डोंट क्रॉस। और किशोरदा उससे, अच्छा ऐसा चाहिए क्या, अच्छा ये थोड़ा कम गाऊँ क्या, अच्छा नहीं नहीं, अच्छा तू 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 जा, तू अंदर जाके सुन, वो मेरे को बोल। बट वट एवर, दोनों वो लाइक सुपर सुपर ड्यूपर क्लास। आई टेल यू वन थिंग मोर अबाउट रफ़ी साहब। वो एक यूँ था कि सब लोग, हम लोग कैसेट पे काम करते थे, हम गाना गा के किशोरदा को देते थे, वो घर में सुनते थे, फिर रेसल करते थे। तो क्या मौसम है एक गाना था जिसमें रफ़ी साहब का एडलिप पार्ट था, तो उनसे कहा आप कैसेट ले लीजिए रफ़ी अंकल। बोले नहीं बेटा मैं तो कैसेट यूज़ ही नहीं करता। बोला अंकल गाना 10 दिन बाद है, आप कैसेट नहीं यूज़ करेंगे, याद कैसे रहेगा ये मस्ती, ये गाना याद कैसे रहेगा अंकल। बोला ऊपर वाले को ऐसे करते थे। मैंने बोला भाई ठीक है, 10 दिन निकल गए, मुझे खुद ही याद नहीं गाना क्या है, कैसेट लगाओ भाई गाना क्या है, कल रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग पे पहुंच गए, अभी किशोरदा और लता जी गाना गा रहे हैं, रफ़ी साहब लेट हो गए, लक्ष्मीकांत पहलवान सबके गाना गा रहे हैं। अब आए 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 भागते भागते आए रफ़ी साहब, बीच में रफ़ी साहब, यहाँ किशोरदा, यहाँ लता जी। और किशोरदा मुझे देख रहे हैं और लता जी भी मुझे देख रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को आप देख रहे हैं, सारा वायलेंस वायलेंस सब सेट, सब वेट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। ऑडियंस, मेरे दोस्त, मेरी बात बिलीव करने वाली है, 10 दिन के बाद वो आदमी आके माइक पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक बार इधर नहीं, एक बार उधर नहीं, एक सुर इधर नहीं, एक सुर इधर। वाह, इसको कहते हैं रफ़ी साहब। बोलते हुए मेरी आँख भर रही है और मेरे रोंटे खड़े हो रहे हैं। इतना सज्जन पुरुष मैंने इंडस्ट्री में किसी को देखा ही नहीं। बहुत ही शांत स्वभाव उनका और बहुत ही सो केयरिंग एंड सो लवेबल, नो एयर्स अबाउट हिम, वेरी सिंपल मैन एंड जस्ट सो काइंड हार्टेड। हंसते रहते थे और बड़ा कभी कभी जोक्स भी कर लेते थे, और दिल के तो इतने अच्छे थे कि जिसका जितना भी उन वर्णन करूं कम है, क्योंकि हर इंसान से प्यार करना, हर एक आदमी के दुख दर्द को समझना, और मतलब ये सब बातें हर कलाकार में मुश्किल है। वैसे तो कलाकार सभी अपने आप में उतना ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे जिन 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 लोगों की बात मैं करूंगा वो सब महान हैं, उनको सुन के, उनको बचपन से देख, मतलब फोटोग्राफ्स में देखा या मैगजीन में देखा, लेकिन रेडियो में, उस वक्त तो रेडियो ही होते थे, तो रेडियो में सुन सुन के सोचता था कि कभी उनसे मेरी मुलाकात होगी या उनसे मैं मिल पाऊँगा या उनके साथ गा पाऊँगा। लेकिन ये एक ईश्वर की कृपा है कि मेरे ऊपर भी ईश्वर की ऐसी लीला हुई कि रफ़ी साहब जैसे कलाकार के साथ गाने का मौका मिला।